हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सेराराम सिमार लेके आया हूँ आपके लिए अंग्रेजी ग्रामर का बहुत ही रोचक टॉपिक, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये टॉपिक 8th, 9th, 10th, 11th, 12th क्लासेस में पूछा परीक्षा में पूछा जाता है। उसके साथ ही साथ विभिन्न भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती है उसमें पूछा जाता है, कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए। ऐसे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ट्रिक्स के साथ लेके आया हूँ ये टॉपिक, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है। देखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यार विद्यार्थियों, ये टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही प्रयोग। हम सब जानते हैं क्रिया के विभिन्न रूप होते हैं। बेस फॉर्म होती है टू गो, फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और वी फोर्थ यानी कि वी फर्स्ट आईएनजी होता है गोइंग, और वी फिफ्थ यानी कि गोज। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये बेस फॉर्म माने जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। एक क्रिया के विभिन्न रूप होते हैं, तो क्या क्या रूल्स हैं, कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती है, कहाँ पर सेकेंड फॉर्म आती है, कहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है, वी फर्स्ट आईएनजी कहाँ आता है, वी फर्स्ट के साथ एस या ईएस कब लगता है, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग नियम लेके आया हूँ मैं इसी वीडियो के अंदर। बहुत ही रोचक वीडियो है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के ऊपर पूरी तरह से पकड़ बनाना चाहते हैं। तो हम बात करेंगे पहले नियम की, टाइम एडवर्ब की। तो टाइम एडवर्ब हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का लेके आए हैं। सबसे पहले देखिए आप, डेली, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी नहीं, सेल्डम, प्राय नहीं, ओपन जो है प्राय, ओकेजनली, कभी कभार, जनरली, आमतौर पर, यूजुअली, आमतौर पर। तो इस तरह के जो टाइम एडवर्ब्स को देख के हम पहचान लेते हैं कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। कई बार प्रेजेंट डेफिनिट टेंस नहीं, ये टाइम एडवर्ब नहीं भी होता है, लेकिन अगर हैबिचुअल एक्शन है, किसी की आदत है, जैसे ही लाइक्स टी है, चाय पसंद करता है, उसकी आदत है, कोको डजंट मेक नेस्ट, कोयल घोंसला नहीं बनाती, ये उसकी आदत है। इसी तरह से साइंटिफिक रूल है, अगर 2 and 2 max 4, दो और दो चार होते हैं, और जैसे मान लो वाटर फ्रीजेस एट 0 degree centigrade, पानी जो है 0 degree centigrade पे जो है जमता है, तो इस तरह के साइंटिफिक के अलावा जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, सनसेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। इसी तरह से जो है न्यूज़पेपर हेडलाइंस है, इंडिया विंस वर्ल्ड कप 2011, भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता, तो विंस न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो होती है, समाचार पत्रों की सुर्खियां, उसमें भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस रखा जाता है, ये उसकी पहचान है। नियम क्या है उसके देख लीजिए आप एक बार। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो, यानी कि सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस हो, और सब्जेक्ट जो है एकवचन हो, कर्ता एक, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो क्या करना है, बी फर्स्ट के साथ एस या ईएस रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखना यहां पर देखिए, ही गो टू टेंपल दिल्ली, ही गो टू टेंपल दिल्ली, अब यहां पर दिल्ली आया हुआ नहीं है, रोज, हमेशा, तो हमेशा होता है, तो फिर क्रिया क्या हुई, गो रखना है, और सब्जेक्ट क्या है, एकवचन है, सिंगुलर है, और वाक्य क्या है, सकारात्मक अफर्मेटिव है, तो इसके साथ एस या ईएस रखेंगे। अब सवाल उठता है एस रखें या ईएस रखें, तो इसके साथ ईएस रखना है। क्यों रखना है ईएस, क्योंकि किसी भी क्रिया का अंतिम अक्षर अगर ओ एक्स एस 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 एच सी एच जेड में से कोई हो, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और ये जो सब्जेक्ट और वाक्य जो है सकारात्मक हो, तो उसके साथ ईएस लगाया जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या लगेगा, खाली एस लगेगा। जैसे देखिए रवि यहां पर प्ले गेम्स इन द इवनिंग, रवि शाम को खेल खेलता है, इन द इवनिंग, ये डेली रूटीन है, क्रिया कब होती है, शाम को डेली होती है, तो यहां पर देखिए आएगा पी एल ए वाई एस, एस लगेगा खाली, ये इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसका अंतिम अक्षर Y है, अगर इनमें से कोई होता ना O X S S C H वगैरह, तो इसके साथ ES लगा दे, क्योंकि अपना सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। इन्हीं दोनों सेंटेंस को प्लुरल और सब्जेक्ट मान के देखते हैं, अगर मैं यहाँ ही पे ही की जगह पर दे लगा दूं, दे गो टू टेंपल दिल्ली, में रोज मंदिर जाते हैं, अब देखेंगे आप
कि सब्जेक्ट अगर बहुवचन है, प्लुरल है, यहाँ पर देख तो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, इसके साथ एस या एस कुछ भी नहीं लगेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर हाँ एस या एस कुछ भी नहीं लगेगा, फिर एस को भी छोड़ो, एस को भी छोड़ो, कब? जब सब्जेक्ट प्लुरल हो और वाक्य क्या हो? सकारात्मक। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कैसे याद रखना है, कम के साथ ज्यादा और ज्यादा के साथ कम, इसका मतलब क्या हुआ? कम यानी कि एक वचन, अगर करता एक वचन हो तो उसके साथ ज्यादा, ज्यादा का मतलब है कि फर्स्ट के साथ ऐसे ही है, तो ये क्रिया के प्रथम के रूप के साथ ऐसे ही है, ज्यादा हो गया, और ज्यादा यानी बहुवचन, तो करता बहुवचन है तो उसके साथ कम, यानी कि सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से काम चल जाएगा। यह है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। इसके एग्जाम्पल्स में, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं मैं बता दूं, कई बार टाइम एडवर्ब नहीं भी देते हैं और सीधा ही आपसे क्वेश्चन जो है सेंटेंस को देख करके ही आपको पहचानना पड़ता है। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, तो यहाँ पर देखेंगे आप राइज दिया हुआ, टाइम एडवर्ब कोई सी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? राइज, क्योंकि सेंटेंस कहता है कि सूर्य पूर्व में उगता है, डेली होने वाली क्रिया, न्यूट्रल टू होते सार्वभौमिक सत्य है। जैसे मान लो द स्टार्स तारे, अब यहाँ पर एक ट्विंकल टिमटिमाते हैं एट नाइट, तारे रात में टिमटिमाते हैं, तो यहाँ पर क्या है? स्टार्स बहुवचन है। मुझे बताओ, जब कर्ता बहुवचन होता है यानी कि सब्जेक्ट जो है प्लुरल होता है, तो क्या अपन ऐसे ही लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ज्यादा के साथ किसका प्रयोग करना है? कम का प्रयोग करना है, यानी इसके साथ कुछ भी नहीं लगाना है। और अगर कम है यानी कि एक वचन है, तो इसके साथ ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? ऐसे ही एस, हाँ ऐसे ही एस लगेगा। तो हमने इसके साथ क्या लगाया? राइज के साथ खाली एस लगाया है। ईएस क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि इसका अंतिम अक्षर ओ एक्स एस 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 सी एच या जेड में से नहीं है। अगर एक सेंटेंस ले लें, ही टीच, यहाँ पर देखिए, ही टीच आस इंग्लिश, वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं या वे हमें अंग्रेजी पढ़ाता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? टीच आएगा, टीचर आएगा, क्या आएगा बताओ? टीचेस, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर क्या है? सी एच है, और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, और वाक्य क्या है? सकारात्मक है। यहाँ पर और कुछ सेंटेंस देख लीजिए, वॉच बॉइल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, तो यहाँ वाटर के साथ क्या आएगा? बॉइल्स, एस लगेगा, क्योंकि वाटर क्या है? सिंगुलर है। टाइम एंड ट्राइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। अब मुझे बताओ, टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार, समुद्र में उठने वाली लहर, तो टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार दोनों बहुवचन हो गए, प्लुरल हो गए, तो यहाँ इसके साथ एस या एस लगेगा नहीं लगेगा? ज्यादा के साथ कम का प्रयोग करना है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा, सीधा आएगा वेट, इस तरह से। नेक्स्ट आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, कोई कहावत हो, जैसे मान लो ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी यहाँ पर देखिए, अब ऑनेस्टी एक वचन एक बहुवचन है, सिंगुलर, तो किसके बी का क्या कौन सा रूप आएगा? इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। यहाँ पर कुछ और देख सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के, यहाँ पर देखिए, द बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कौन सा रूप आएगा क्रिया का बताओ? द बार्किंग डॉग, सब्जेक्ट क्या? सिंगुलर है, प्लुरल है? बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते, बहुवचन हो गया, तो ज्यादा के साथ कम का प्रयोग करना है, यानी इसके साथ कुछ भी नहीं लगाना है। यहां आप आगे देखेंगे, द कुक यानी कि कोयल नॉट मेक नेस्ट, कोयल घोंसला नहीं बनाती है, तो कुको के साथ क्या आएगा? डू नॉट, इट डज नॉट, बताओ मुझे। एक वचन के साथ आता है डज और बहुवचन के साथ आता है डू, ध्यान रखना। ये कब आता है? जब वाक्य नकारात्मक प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक हो। द कुको डज नॉट मेक नेस्ट, कोयल घोंसला नहीं बनाती है। डू डज क्यों लगा है? क्योंकि वाक्य क्या है? नकारात्मक है, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो भी डू डज का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अगर करता एक वचन है और वाक्य सकारात्मक है तो डू डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बहुवचन के साथ भी नहीं किया जाएगा, सकारात्मक वाक्य में।
आई होप कि आपको पहला नियम अच्छी तरह समझ में आ गया है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। स्टूडेंट्स, क्रिया के करेक्ट क्रिया के सही रूप भरने में दूसरा नियम लेके आया हूँ मैं, वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। इसके अंदर नाउ, नाउ ए डेज, दीस डेज, इस तरह से एट दिस टाइम, इस वक्त, टुनाइट, आज, नेक्स्ट ईयर, या लुक, सी, इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी दिया जाता है। ये इसकी जो है टाइम एडवर्ब है, अंग्रेजी में इसको पहचान सकते हैं। नियम क्या है? नियम यही है कि इज, आर और एम का प्रयोग करना है। अगर ये हो तो किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है सहायक क्रिया के रूप में इज, आर, एम का प्रयोग करना है। इज का किसके साथ? सिंगुलर के साथ, यानी कि एकवचन के साथ। अच्छा, आर का प्रयोग किसके साथ करना है? प्लुरल के साथ। और एम का प्रयोग किसके साथ करना है? आई के साथ। इसके बाद अपन बात करेंगे मुख्य क्रिया की, तो मुख्य क्रिया के रूप में वी फर्स्ट आई एन जी, यानी कि वी फर्स्ट आई एन जी को क्रिया का चौथा रूप भी कहते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया के साथ आई एन जी का प्रयोग करना है। ये होगी इसके जो है नियमों की बात। अब सीधे इसके सेंटेंसेस देख के देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह से आते हैं। चलो, जैसे देखिए पहले सेंटेंस है, टाउन्स चेंजिंग इंटो सिटीज दिस डेज, इन दिनों कस्बे जो है शहरों में बदल रहे हैं। तो कस्बे बहुवचन हो गया, तो क्या हो जाएगा? आर चेंजिंग, सी चेंज, जी आई एन जी, चेंजिंग, टाउन्स आर चेंजिंग, कस्बे बदल रहे हैं इंटू सिटी, शहरों में दिस इन दिनों, यानी कि जो बदलाव हो रहा है। जैसे मान लो आई राइट एनो नाउएडेज, आजकल मैं एक उपन्यास लिख रहा हूं, तो आई एम राइटिंग, एम हो जाएगा क्योंकि आई के साथ किसका प्रयोग हुआ? एम का प्रयोग हुआ। जैसे मान लो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लेके देखते हैं, लुक, देखो, पीकॉक्स, देखो द पीकॉक्स आर डांसिंग, देखो मोर नाच रहे हैं। अगर कोई पॉइंट करके, कोई पॉइंट आउट करके दे कहते हैं देखो मोर नाच रहे हैं, तो पीकॉक्स बहुवचन हो गया, तो फिर यहां पर हो जाएगा आर डांसिंग। इस तरह से टुनाइट, इसका भी एक सेंटेंस में प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे देखो यहां पर देखिए, वी ब्लैंक्स गो टू सिनेमा टुनाइट, आज रात हम सिनेमा जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं टू सिनेमा टुनाइट, आज रात हम सिनेमा जा रहे हैं। इस तरह से इस टाइम एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगर नेक्स्ट ईयर का प्रयोग करें तो इस तरह से होता है कि आई एम गोइंग टू ओपन, मैं खोलने जा रहा हूँ न्यू शॉप, एक नई दुकान, नेक्स्ट ईयर, अगले साल भी एक नई दुकान खोलने जा रहा हूँ। तो गोइंग टू के बाद भी नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट का प्रयोग ऐसे किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये दूसरा नियम समझ आ गया। बात करते हैं तीसरा नियम की। तीसरा नियम की बात करते हैं, तो तीसरा नियम देखिए अपन फ्रेंड्स, तीसरा नियम के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की टाइम एडवर्ब के मैं आपके बारे में कुछ बताता हूं। जस्ट है, एवर है, रिसेंटली है, ऑलरेडी है, बाय नाउ है, सो फार है, यच है, यहां पर सिंस या फॉर है, इस तरह से इसके प्रयोग होते हैं। ऑलरेडी अवे, रिसेंटली, सो फार, बाय नाउ, यच, येट हो गया। चलो, इस तरह के कुछ है, इसकी पहचान है। अच्छा, इसके जहां तक इसके नियमों की बात की जाए, किसका क्या प्रयोग करना है, अगर ऐसा कोई सेंटेंस में दिया हुआ आए, इनमें से कोई टाइम एडवर्ब दिया हुआ है, तो प्राय इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। तब आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में क्या करेंगे, अगर कर्ता एकवचन है तो हैज का प्रयोग करना है, और कर्ता बहुवचन है तो किसका प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है, और हैज और हैव का प्रयोग करके मुख्य क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करना है, यानी कि मैन वर्ब के रूप में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग करना है। किस तरह से देखना, माय फादर हर जगह यहां पर जस्ट
माय फादर जस्ट आ गया, माय फादर हैज जस्ट अराइव्ड, मेरे पिताजी अभी अभी पहुंचे हैं, एट होम घर पहुंचे हैं। इस तरह से जस्ट का प्रयोग हुआ। एवर का प्रयोग जैसे मान लो हैव यू एवर रेड, एक पुस्तक का नाम है वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति। क्या तुमने कभी युद्ध और शांति पढ़ी है? एवर ही कभी। एवर का प्रयोग अगर यहाँ ब्लैंक्स हो ना यहाँ दोनों जगह, और कॉस्ट में रीड दिया हुआ हो, तो क्या करना है कि दो ब्लैंक्स हो तो एक में आएगी हेल्प में वर्ब, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव और इधर हो जाएगा थर्ड फॉर्म हैव यू एवर रीड। क्या तुमने कभी पढ़ी है द वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति पुस्तक है। नेक्स्ट ऑलरेडी जैसे मान लो वी हैव Already seen this park. ये पार्क हम पहले से ही देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर कॉस्टर के अंदर यहाँ पर, सॉरी मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपके लिए आंसर लिख रहा हूँ, या सी दिया हुआ हो अगर कॉस्टर के अंदर, तो कैसे प्रयोग करेंगे देखना। ऑलरेडी दिया हुआ है तो इधर हो जाएगा हैव, क्योंकि सब्जेक्ट अपना क्या है प्लूरल है, और यहाँ हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। We have already seen this park. ये पार्क हम पहले से देख चुके हैं इस तरह से। So far, जैसे मान लो track four cups of tea. So far, अब तक मैं चार कप चाय पी चुका है, तो so far आया अब तक, तो यहाँ पर he has taken इस तरह से। Yet यू खा जगह नॉट रिटर्न, ध्यान रखना यट का प्रयोग प्राय नकारात्मक वाक्यों में ही किया जाता है। माई मनी यट, तुमने मुझे अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए, तो यू हैव नॉट रिटर्न, तुमने नहीं लौटाए मैं मनी मेरे पैसे यट, अभी तक तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। सिंस फॉर का भी प्रयोग एक बार आप देख लीजिए। सिंस फॉर का प्रयोग चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी होता है, तो इस टेंस में इसका प्रयोग किस रूप में होता देख लीजिए एक बार। आई नॉट मीट हिम सिंस मंडे, अब यह सिंस का प्रयोग है। अब आप ये देखोगे कि मीट जो क्रिया है ना नेगेटिव सेंटेंस है, मैं सोमवार से उसे नहीं मिल रहा हूँ या मैं सोमवार से उसे नहीं मिल रहा हूँ, एप्रोप्रिएट कौन सा लगेगा कि मैं सोमवार से उसे नहीं मिला हूँ। तो ये यहाँ पर जो इनकम्प्लीट वर्ब है और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आई हैव नॉट मेट, मैं नहीं मिला हूँ हिम मुझसे सिंस मंडे, सोमवार से नहीं मिला हूँ। जैसे मान लो वी लिव एच आगरा फॉर टू ईयर्स, अगर इस तरह का सेंटेंस हो विल लिव एट आगरा फॉर टू ईयर्स, हम दो साल से आगरा में रह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और हम ये भी कह सकते हैं वी हैव लिव्ड एट आगरा फॉर टू ईयर्स, हम आगरा दो साल रह चुके हैं, ये भी इसे ये भी इसका जो है प्रयोग होता है। आई होप कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी रूल समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट अपना नियम है वो फॉर प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मैं आपको बताया सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, सिंस फॉर उसके साथ टाइम दिया जाता है। साई क्रिया के रूप में अपन बात करें जो प्रयोग करते हैं हैज या हैव के साथ बीन लगता है, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव और उसके साथ बीन लगेगा, सिंगुलर तो हैज बीन और प्लूरल तो हैव बीन। मुख्य क्रिया के रूप में यानी मेन वर्ब के रूप में वी फर्स्ट आईएनजी का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस लिख के देख लो, वापस बोल देता हूँ, इट रेन हैवली सिंस यस्टरडे, कल से भारी बारिश हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है हैवली भारी सिंस यस्टरडे कल से। यहाँ पर देखिए दे हैव ट्रेवल फॉर टू आवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव बीन ट्रेवलिंग, वे यात्रा कर रहे हैं फॉर टू आवर्स, दो घंटे से यात्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पर has और have been का प्रयोग होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की।
स्टूडेंट्स पांचवा नियम अपना है जो फिफ्थ रूल है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो है रिप्रेजेंट करता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, जैसे अगो है, पहले है, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, इस तरह से इसका प्रयोग लास्ट के साथ इसका प्रयोग होता है। अच्छा प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, इस तरह से इसका प्रयोग होता है, ये पास्ट की पहचान हो गई है। कोई क्रिया भूतकाल में पूरी हुई थी यानी पास्ट में गए समय में पूरी हुई थी, इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा नियम की जहां तक बात की जाए, जिसके अगर वाक्य सकारात्मक हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो सब्जेक्ट के साथ वी टू, सब्जेक्ट के साथ वी टू, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी कि इसको ऐसे समझिए, वे घर गए, दे वेंट होम, तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, और वह घर गया, ही वेंट होम, तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी जाएगी। कब रखी जाएगी, सेंटेंस अफर्मेटिव हो, जैसे मान लो ही पास अवे टू वीक्स अगो, दो साल पहले में गुजर गया, पास अवे गुजर जाना, तो ही पास अवे, पास हो जाएगा, पास पे सेकंड फॉर्म हो जाएगी ये पास, इस तरह से। जैसे दे इनवाइट मी इन द बर्थडे पार्टी यस्टरडे, उन्होंने मुझे कल बर्थडे पार्टी बुलाया यस्टरडे, कल है, तो यहां पर आएगा इनवाइटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये हो गया सकारात्मक वाक्य। अगर इनके नकारात्मक प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक इनकी नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव हो, तो अपन को क्या करना है, याद रखना यहाँ पर डिड का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है साथ में। जैसे मान लो सी नॉट टेल मी द ट्रुथ, उसने मुझे सच नहीं बताया, तो सी डिड नॉट टेल। जहां तक बात की जाए इसके पहचान की, तो कोई और आगे पीछे कोई सेंटेंस होता है तो पता लग जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट और सेंटेंस देख के देखते हैं। देखिए दे हेल्प मी, तो यहाँ पर नॉट हेल्प करते हैं ना, दे नॉट हेल्प मी इन द ट्रबल, उस संकट में, उस कष्ट में उन्होंने हमारी मदद नहीं की, दैट ट्रबल, उस संकट में, तो दे डिड नॉट हेल्प, दे डिड नॉट हेल्प मी इन द ट्रबल, उस संकट में उन्होंने हमारी मदद नहीं की। तो ये होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। अच्छा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के और भी प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ, देखना थोड़ा सा कहां का इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है एक तो आफ्टर बिफोर के साथ, जैसे मान लो द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, तो आफ्टर के आफ्टर हैड प्लस वर्ब की फॉर्म, लेकिन पहले आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे मान लीजिए द स्टूडेंट स्टूड अप, बच्चे खड़े हुए, आफ्टर द टीचर हैड एंटर द क्लास, अध्यापक जी कक्षा में प्रवेश करने के बाद बच्चे खड़े हुए, इस तरह से जो है सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इधर एक तरफ हैड प्लस बी थर्ड, दूसरी तरफ बी टू, कब करेंगे देखना, बिफोर के बिफोर हैड प्लस बी थर्ड आएगी, तो इधर हो जाएगा बी टू। अच्छा क्या करना है, आफ्टर के आफ्टर हैड प्लस बी थर्ड आएगी, तो इधर कर देना है B2 का मतलब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस मानिए। इधर किसके साथ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी किया जाएगा, कब, जब वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो। चलिए एक तो ये नियम हो गया, इसके दूसरे प्रयोग देखते हैं। इसके अंदर दूसरे प्रयोग में क्या है, अगर वैन का प्रयोग हो तो वैन के बाद भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए वैन वैन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे फोन किया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, व्हेन यू कॉल्ड मी,
आप वो स्ट्रेचिंग रेस्ट में आराम कर रहा था जब तुमने मुझे कॉल किया ना, मैं आराम कर रहा था। सेकंड फॉर्म वैन के साथ इसका प्रयोग करते हैं, इफ के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। कैसे करते देखिए, इफ ही टोल्ड मी, वेदी में मुझे बता देता, आई वुड या आई कुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर सकता था। तो ही टोल्ड वर्ब भी सेकंड फॉर्म, इफ के साथ भी प्रयोग करते हैं, वैन के साथ भी प्रयोग करते हैं। कुछ टाइम एडवर्ब देके भी इसका प्रयोग आपको पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट जो नियम की, स्टूडेंट्स अब हम छठे नियम की बात करते हैं। तो छठा नियम जो है अपन पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम की बात करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम में जो टाइम एडवर्ब कैसे पहचान लेते हैं, एट दैट टाइम या दीस डेज को फिर यहाँ पर आ जाएगा दोस डेज, क्योंकि दीस डेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। दोस डेज देन, ये कुछ टाइम एडवर्ब है जिनका प्रयोग करके अपन उसको पहचान सकते हैं। उसके साथ साथ वाइल या वैन का प्रयोग है, उसके साथ भी प्राय स्टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखना रात, अच्छा इसमें बात करते हैं सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें प्रयोग होगा वॉज या वर प्लस वॉज या वर का प्रयोग, और मैन वर्ब की बात करें तो इसके साथ प्रयोग होगा वी प्लस आईएनजी, क्रिया के प्रथम रूप के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। एक वचन सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। चलो सेंटेंस लेके देखते हैं। सेंटेंस बहुत सिंपल है, जैसे देखना सी फेल डाउन, वह गिर गई, वाइल सी वॉज राइडिंग ऑन बाइक, जब बाइक पे सवारी करी थी तो वह गिर गई, वाइल। तो वाइल के बाद किसका प्रयोग बनना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया वॉज वर्ब प्लस वी फर्स्ट आईएनजी। जैसे मान लीजिए राधा वॉज डांसिंग, राधा नाच रही थी वाइल कृष्णा वॉज प्लेइंग फ्लूट। जब कृष्णा बांसुरी बजा रहा था तो राधा नाच रही थी। तो दो क्रिया समानांतर होती है, किसी भूतकाल में दो क्रिया समानांतर होती है पास्ट में तो वहां पर जारी होती है, तो वाइल का प्रयोग करते हैं। उसके साथ वॉज वर्ब प्लस वी प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे वैन के साथ किसका प्रयोग करते हैं देखिए, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे फोन किया, तो व्हेन के साथ वाले सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन अगले वाले सेंटेंस में प्राय जो है इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ही वॉज When you called me, she was cooking food. वे खाना पका रही थी। तो यहाँ पर क्या किसका प्रयोग हुआ? She was cooking food. वे खाना पका रही थी। इधर when के बाद verb की second form, तो next जो sentence आएगा उसके साथ जो है इस next clause के अंदर she was cooking food, भोजन पका रही थी। एक question है singular तो was आएगा, plural होता तो वहाँ पर किसका प्रयोग होता? Verb का प्रयोग होता। I hope कि ये नियम आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं past. फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर अपन देखते हैं तो वहां पर अपन पाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में वहां पर हैड का प्रयोग होता है, और मैन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पहचान इसकी क्या है कि प्राय इसके साथ आफ्टर और बिफोर का प्रयोग होता है इसके साथ, और आफ्टर के आफ्टर तो हैड प्लस वी थर्ड, और बिफोर के बिफोर हैड प्लस वी थर्ड। यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग बिफोर के बिफोर आफ्टर के आफ्टर होता है, लेकिन इसकी भी एक शर्त है, इधर वी टू हो या फिर डिडंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इधर पास्ट टेंस है तो इधर हेड होगा, और इधर पास्ट टेंस है तो इधर हेड होगा। ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं। अगर आफ्टर के आफ्टर हेड प्लस वी थर्ड है तो इधर वी टू करना है, और अगर आपको इधर वी टू दे दे तो अगले वाले वाक्य अगले वाले क्लोज के अंदर हेड प्लस वी थर्ड करना है। अगर आपको बिफोर के बाद में वी टू मिल जाए तो बिफोर के पहले जो हेड प्लस वी थर्ड करना है। इधर वी टू नहीं होकर के डिड और वी प्लस भी हो सकती है, टेंस वही होता है। चलिए एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट्स स्टूड अप आफ्टर द टीचर एंटर द क्लास क्लासरूम।
तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट बचे खड़े हुए कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि नहीं है, आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बाद में क्या करेंगे, हेड प्लस वी वर्ब करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहां हेड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, द टीचर हैड एंटर्ड, इस तरह से। यहां पर नेक्स्ट इसका प्रयोग करके देखते हैं, द ट्रेन का जगह ले ओ बिफोर वे रिच एट ए स्टेशन, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, तो यहां पर बिफोर के बाद वी टू है, यानी कि बिफोर के बाद वी टू है, तो पहले क्या करेंगे, एट प्लस वी थर्ड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। कई बार इसके साथ जो है पास्ट का सेंटेंस भी दे दिया जाता है, जैसे आपको पेपर हुआ है। नेक्स्ट अपन इसके नियमों की बात करते हैं, तो आठवां नियम है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल जो है वो परीक्षा में कभी पूछ लेते हैं, लेकिन एक आधा सेंटेंस आपको लेकर देखा देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करना है हैड बीन का प्रयोग, और मैन वर्ब के रूप में करना है बी फर्स्ट आई एनजी का प्रयोग। जैसे देखिए, रेनिंग रेन फॉर टू आवर बिफोर वे रिच एट न्यू दिल्ली, इस तरह के कंफ्यूजिंग सेंटेंस ही होते हैं। हमारे नई दिल्ली पहुंचने से पहले दो घंटे से बारिश हो रही है, अब इधर वर्ब के सेकंड फॉर्म जरूर है, लेकिन इधर जो ये वर्ब, इधर जो ये सेंटेंस आया ना, उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाएगा। तो इट हैड बीन रेनिंग, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भूतकाल में किसी क्रिया होने से पहले कोई क्रिया जारी थी, कितने टाइम से, कोई निश्चित समय से जारी थी, तब इसका प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको ये समय आगे ध्यान के रखना है कि आफ्टर बिफोर के पहले अगर आपको बी थर्ड हेड प्लस बी थर्ड का प्रयोग आंखें बंद करके नहीं करना है, अगर कोई क्रिया जारी का कोई सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं ऐसा कुछ हो, तो वहां पर फिर इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखा जाएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की, बात करते हैं अपन फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में क्या होगा कि पहचान क्या है, एक तो इसकी पहचान है टुमोरो यानी कि कल, द नेक्स्ट नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इस तरह से द फॉलोइंग, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। जैसे देखिए, अच्छा हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर्ता आई एंड वी हो तो इसके साथ सेल का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी के साथ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। बात करते हैं मैन वर्ब की मुख्य क्रिया के रूप में, तो बी फर्स्ट का प्रयोग यानी कि क्रिया का प्रथम रूप का प्रयोग किया जाएगा। एग्जांपल लेके देखते हैं, आई कल जगह जोधपुर नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में जोधपुर जाऊंगा, तो यहां पर आएगा आई शैल गो, इस तरह से। इसका एक बात और बता दूं, नेक्स्ट वीक फिक्स फ्यूचर प्लान, भविष्य की कोई निश्चित योजना होती है तो उसके साथ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का प्रयोग भी किया जा सकता है, इसके साथ आई गो का प्रयोग भी किया जा सकता है क्योंकि ये भविष्य की फिक्स योजना है। जैसे द पीएम विजिट्स, द पीएम विजिट्स, विजिट के साथ एस लगा क्योंकि इस पीएम जो है वो जनता, पीएम विजिट्स टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह प्रधानमंत्री जो अमेरिका जाएंगे, तो इस योजना की भविष्य की, तो इसको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में रखा जाता है। चलिए यहां पर देखिए, दे हेल्प अस इन द क्राइसिस, संकट में वे हमारी मदद करेंगे, दे विल हेल्प, वे मदद करेंगे, तो इस तरह से भविष्य में कोई क्रिया होने वाली है ना, तो उसका प्रयोग, टुमारो का प्रयोग किस मान लीजिए, देखिए
कल छुट्टी होगी तो इट विल बी होगी हॉलीडे इन टुमारो हॉलीडे इन छुट्टी और टुमारो कल कल छुट्टी होगी तो विल का प्रयोग हुआ बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ध्यान रखना। आई होप कि आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस सॉरी ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में आया। इसका एक प्रयोग और आपको लेके दिखाता हूं मैं आपको इफ के साथ भी इसका प्रयोग होता है। इफ के बाद अगर बी फर्स्ट हो आगे विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक इसकी कंडीशन ये फर्स्ट कंडीशन कहलाती है। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं इफ यू गिव मी ब्लड आई कल जगह गिव यू फ्रीडम। इफ यू गिव मी ब्लड तुम मुझे खून दो आई विल गिव यू फ्रीडम मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये शर्त है ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो भविष्य में कोई किसी चीज होती है तो वहां पर इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यानी ये मॉडल का भी प्रयोग होता है बिल से मॉडल भी होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो कई बार मॉडल का प्रयोग कर लेते हैं और कई बार फ्यूचर टेंस का भी प्रयोग कर लेते हैं। चलिए आई होप कि आपको समझ आ गया है। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन एट दिस टाइम टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एट दिस टाइम टुमारो कल इस वक्त यानी कि एट दिस टाइम टुमारो कल इस वक्त फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता है एक्टिव वर्ब के रूप में विल या शैल के साथ बी प्लस वी प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसे देखिए विल या शैल के साथ बी और मुख्य क्रिया के रूप में वी प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। जैसे मान लो वी शैल बी ट्रैवलिंग हम यात्रा कर रहे होंगे At this time tomorrow कल इस वक्त हम यात्रा कर रहे होंगे तो इस तरह के examples कंप्यूटर एग्जाम में ज्यादा इसको पूछा नहीं जाता है तो उसके हिसाब से at this time tomorrow कल इस वक्त। बात करते हैं अपन future perfect tense की तो future perfect tense में जो है जैसा कि हमने पहले tense वाले उस videos के अंदर हमने देख रखे हैं कि by plus time जब आता है ना by plus time तो ये future perfect tense होता है तो वहां पर क्या करना है विल या शैल का प्रयोग प्लस हैव का प्रयोग करना है साथ में। ये किसके रूप में सहायक क्रिया के रूप में और मुख्य क्रिया के रूप में क्या करना है वी थर्ड। ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान। जैसे 2030 तक भारत अमेरिका से शक्तिशाली बन चुका होगा तो बाय 2030 इंडिया विल हैव बिकम मोर पावरफुल देन अमेरिका बाय प्लस टाइम। इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि आई कल जगह complete my work by evening शाम तक मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूंगा तो I shall have completed यहां पर shall have साइकिल होगी और complete work की थर्ड फॉर्म होगी you will have reached at home by morning tomorrow morning कल सुबह तक तुम घर पहुंच चुके होंगे तो you will have reached इस तरह से। अक्सर इसको परीक्षा में कभी पूछा जाता है। I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। next अपन रूल देखते हैं 12 है वो 11 था सॉरी यहां पर करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन और उसके बाद ये तो एसआई क्रिया के रूप में प्रयोग इसका और मुख्य क्रिया के रूप में वी प्लस आईएनजी बहुत कम नहीं के बराबर सेंटेंस पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी एक आध एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे We shall have been traveling. हम यात्रा कर रहे होंगे for 10 days, 10 दिन से when we reach at the harbor. जब बंदरगाह पे पहुंचेंगे तब हम
दस दिन से यात्रा कर रहे हैं, वी शैल हैव बीन ट्रैवलिंग, हम यात्रा करेंगे। एक पॉइंट दिया अगर भविष्य में कोई एक इस तरह की चीज दे दी कि हम जब बंदरगाह में पहुंचेंगे तब हम 10 दिन से यात्रा कर रहे हैं होंगे, तो भविष्य की बात हो गई। कंप्यूटर एग्जाम में सर यही पूछा जाता है, प्रीवियस सेंटेंस दिया है, ये फ्रेंड्स जो है करेक्ट होने वाली थी जो टेंस से रिलेटेड थी। अब कुछ और क्रियाएं मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आप जरूर देखना, वो हट करके है टेंस के अलावा है, वहां पर क्रिया का प्रयोग कैसे करना है देखिए इस वीडियो में।